रहमतुल्लाहि वबरकातहु। तो फटाफट से आज का दिन शुरू करते हैं। 10 बजे आज मैं फार्म पर जा रहा हूँ। सभी को मालूम है कि आजकल मैं क्यों लेट हो रहा हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बताने की ज़रूरत नहीं है। और लोग बाग काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड कल के व्लॉग में काफ़ी सारी कमेंट आई थी, तो कैसे भूल रहे हैं, कल के व्लॉग में काफ़ी सारी कमेंट आई अच्छी अच्छी एक भाई पूछ रहा था कि मेरे कितने भाई हैं। मेरे सारे, बहुत सारे भाई हैं। और शादी के बाद क्या मैं व्लॉग बनाना बंद कर दूंगा, वो डिपेंड करता है भाई सिचुएशन पे। अभी कुछ नहीं कह सकते उस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी तक तो इरादा है, इंशाल्लाह करेंगे। और एक भाई का कहना था कि नाइट स्टे करो फार्म पर और पार्टी करो और ये वो सब चीज़ें करो, तो भाई फार्म पर हमारे इतना स्पेस नहीं है। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा देर उछल कूद करेंगे, चलते फिरते रहेंगे, तो हमारे बकरे डिस्टर्ब होंगे और वो सही से आराम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग सो रहे हो और आपके बगल में कोई उठ के कुछ खाना पीना कर रहा हो, तो आपको सही से नींद नहीं आएगी। सेम ऐसे ही बकरों का भी रहेगा, तो इस वजह से मैं नाइट स्टे अभी नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे फार्म के लिए। और 5-6 दिन में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बस आप लोगों का सपोर्ट और दुआ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगी। बस थोड़ा थोड़ा 5-6 दिन की बात और रह गई है, फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा मैं, और आपको बड़ा पसंद भी आएगा सब कुछ इंशाल्लाह। और अभी फार्म पर चलते हैं, देखते हैं 10 बजे के करीब है हमारे फार्म पर कितना शो स्टार्ट हुआ है और कितनी चीज़ें भी होनी बाकी है। ये दोनों, ये बकरे यहाँ क्या कर रहे हैं, और इधर भी सारे बिखरे फिर रहे। अच्छा अभी शुरू करा गया खाना, अभी शुरू करा गया बड़े बकरों का तुरंत लगे। सुल्तान तू वहाँ क्या कर रहा, किसका है हमरा यकीम है। और ये आज बहुत ज्यादा गर्मी दिखा रहा है, लेकिन जिस आदमी के सामने गर्मी दिखा रहा है ना, तुझे नहीं मालूम तेरे साथ क्या हो सकता है। अगर अपनी जिंदगी जीनी ना, तो मेरे सामने ना शांत रहा कर, क्योंकि मुझे अगर आज तू बहरा करता मिल गया ना, तो कल को तुझे पंच करा दूंगा। हाँ भाई साकिब, किसे लाया तू आज? इब्राहिम को लाया, किस लिए? काम करेगा तेरे। गलत हो रहा यकीम, गलत कर रहा बेटे, यकीम गलत कर रहा है, मान जा। अब ये पंच होना मांग रहा सावन, पंच होना मांग रहा है। सर्दियों बाद इसे रोक करेगा कौन, इतना भय भय को बकरों को, मतलब सारे बाल्टी में डाल रखा ना पानी, को इसमें भी डाल, याद से डाल दिए ठीक है। और इसमें कितना डाला इसमें, तो हमने हमारे बड़े बकरों को 250 ग्राम सोडा मिक्स करके पानी में डाला है। और दोपहर तक इंशाल्लाह जितना भी वो पानी पियेंगे वो सोडे का पानी पियेंगे। सोडा करता क्या है काम, मैं आपको ये बता दूँ। इसे कोटे को भी सोडे का ही पानी पिलाइयो। एक बकरे के हमारे पेशाब बंद की दिक्कत है हल्का हल्का, तो उसको हम क्या दे रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। सुल्तान कहाँ भाई, वो क्या नाम है बेटा? इब्राहिम। बच्चा तो बड़ा प्यारा यार। वो कहाँ? सिपी आउट कहाँ? सिपी आउट नहीं मिल यार, रेडी मार गई जैसे ना। सिपी आउट नहीं है? सिपी आउट का सिरप ढूंढ और सिपी आउट का सिरप दे जिस बकरे को पेशाब बंद की दिक्कत है। एंड गाइस क्या बता रहा था मैं आपको, तो मैं क्या बताना आया था यहाँ से, सीपी आउट बता रहा था। हाँ, सोडे के फायदे बता रहा था मैं आपको। जैसे हमारे बकरे गेहूं खाते हैं शाम के टाइम पर, तो गेहूं क्या होता है कभी कभी पेट में ना ऐसे इकट्ठा हो जाता है, और बकरे के पेट ना फूले फूले रहते हैं। तो मैं हमेशा ही स्टार्टिंग में मैंने एक रील भी बनाई थी और मैंने बोला भी था कि अगर आप अपने बकरों को सबसे बेहतरीन चीज़ कोई देना चाहते हो तो वो सोडा है। तो ये बात ध्यान रखना, वो आपके बकरों के पेट में जितने भी गेहूं इकट्ठा होता है सबको बाउंडर करके फाड़ देती है। तो क्या? नहीं है। हेलो हेलो भाई, आप साबरी गोट फार्म से बोल रहे हो ना? जी साबरी गोट फार्म से बोल रहा हूँ। हमें क्या है कि एक गोटा बड़ी का बच्चा चाहिए। अभी यार बकरे भाई है नहीं खेल के ना, बच्चा नहीं है ना? नहीं, अभी आएंगे तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ मैं ना। ठीक है ठीक है, ओके भाई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई वीडियो दे हम देखियो, मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा व्लॉग कंप्लीट कर लूँ फिर देख रहा हूँ। हाँ अभी व्लॉग देख के बस अभी कर रहा हूँ, ठीक है व्लॉग बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा शूट करके फिर कर रहा हूँ। देखो ये रहा भाई सीपी आउट,
दिख रही है लोग आपको फट रही है। अरे दिख जाएगी, सीपी आउट नाम से होम्योपैथिक का आता है ये 5-5 ml देना, पूरी नहीं रखे रही वगैरह खत्म हो रही है हमारे यहाँ ढूंढी। चल जा कर ले काम। तो जो सोडे का सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि आपके बकरों को पेट को बिल्कुल हल्का कर देता है, जिससे कि बकरों की भूख और अपारे वगैरह की शिकायत नहीं आती। रेडी मेड इंजेक्शन अगर आपके बकरों को तो रेडीमेड इंजेक्शन जो सुल्तान बता रहा था उस टाइम पे मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो चीज़ें डिलीट करनी पड़ी। तो सुल्तान ने जो बताया था रेडीमेड इंजेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना तो सीपी आउट का सिरप बहुत अच्छी चीज़ है, पेशाब में जलन वगैरह रोक लेता है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बकरों को मक्की खिलाते हो जैसे हम लोग खिलाते हैं तो मक्की के साथ साथ मेथी ज़रूर दिया करो, क्योंकि मेथी एक ऐसी चीज़ है जो कि बकरे के अंदर जो बाई टाइप बोलते हैं उसको आने से रोकती है। जैसे अभी बकरों को जो हमारे दो बकरों को दिक्कत आई है पेशाब बंद की, इसलिए आई है क्योंकि इनको मेथी नहीं चल रही थी। क्योंकि मैं हर किसी को बोलता हूँ कि मक्की खिलाया करो, मगर मक्की के साथ साथ मेथी भी दिया करो। मेथी दाना बहुत अच्छी चीज़ है और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बकरे को पेशाब बंद की शिकायत आ सकती है मक्की खिलाने से। और वही चीज़ें अगर आप लोगों के फार्म पर या घर पर आ रही हो तो मेथी ऐड कर देना, तो इंशाल्लाह चीज़ें की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर पेशाब बंद है तो सीपी आउट का सिरप और रेडी मेड इंजेक्शन, ये दो चीज़ें बड़ी बेहतरीन है, आप इनको दो तो इनसे इंशाल्लाह आपके बकरों को बड़ा राहत और बड़ा आराम मिलेगा। और मैं चलता हूँ फार्म पर फटाफट, इतना ये रहेगा घर पे किसी काम से, इतना मैं रहूँगा फार्म पर। चीज था मेरे पास कि जो आप लोग छोटे बच्चे हमारे फार्म पर होते हैं यानी कि 2 से 4 महीने वाले, उनकी डाइट शेयर कीजिए ताकि ओल्ड लोगों को भी फायदा हो, या फिर उस पर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाओ प्रॉपर, अंदर की भी बाहर की भी सारी जगह की। चल मैं चल रहा था तुम्हारे साथ, अभी बात चल रही थी कि हमें हमारे बकरों को साबान, ये पानी का यार सिस्टम हटवा यहाँ से, यहाँ बकरे बैठे हैं, पहले ही पानी गिल्ला कर दिया, बता बकरे यहाँ बैठे हैं गिल्ले में, तरीका ही नहीं समझ में आता कुछ इनका। तो मैं आपको बता रहा था छोटे बच्चों की जो डाइट है ना, 2-3 महीने के या 1 महीने के बच्चों की, सबसे पहले तो जितना ज़्यादा हो सके छोटे बच्चों को दूध पर ही रखो, आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा। और जब वो खाना पीना शुरू करे तो सिर्फ और सिर्फ हरी पत्ती खिलाओ, हरी पत्ती खिलाओ या फिर गुलर के पत्ते आप लोगों के यहाँ मिलते हैं तो वो खिलाओ। कोशिश करो कि कोई भूसा वूसा बच्चों को मत दिया जाए जिससे कि उनका डाइजेशन स्लो हो। मैं बार बार भूस की सानी वगैरह मना करता हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो भी भूस वगैरह आप खिलाओगे तो उससे उनका लीवर स्लो हो जाएगा और उनको डाइजेशन में दिक्कत आएगी। हरे पत्ते को डाइजेस्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है और जिससे बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ भी करता है। दाने के नाम पर कुछ भी मत दो दूध, अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो 50-100 ग्राम से ऊपर दाना बिल्कुल भी मत देना। और 1 से 3 महीने के तक तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को दाना देना भी नहीं चाहिए। अगर आप दे भी रहे हो तो हरी पत्ती में मिक्स करके बहुत हल्का हल्का दो ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, जितना ज़्यादा हो सके उनके लीवर को मजबूत बनाओ। और उसके बाद जब इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे तब आप अपने हिसाब से दाना शुरू कर सकते हो। मैं इसका प्रॉपर वीडियो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा छोटे बच्चे अवेलेबल अभी फ़िलहाल नहीं है, बट इंशाल्लाह कभी रहेंगे तो ज़रूर बनाऊंगा। मगर अभी तक हम जो हमारे बच्चों को लेकर चलते हैं छोटे बच्चों को, उनका यही है कि वो अपनी माँ के साथ रहते हैं, क्योंकि मैं बाहर से कभी खरीद कर नहीं लाता इतने छोटे बच्चे, और अपनी माँ का वो दूध पीते रहते हैं और साथ साथ ही वो फीडर में लगना शुरू कर देते हैं। जैसे वो छोटी बच्ची अभी खा पी रही है तो वो खाते खाते माँ के साथ ना बच्चा बड़ी जल्दी बड़ा होता है, तो इस करके अपन इतना ज़्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं देते, छोटे बच्चों पर स्पेशली उनकी डाइट पर। बस हम उनका प्रॉपर फोकस करते हैं कि वो माँ का दूध बराबर पी रहे हैं या नहीं पी रहे। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा छोटा व्लॉग बनाया है, थोड़ा सा काम है मशगूल हूँ, कल को हमारे यहाँ फंक्शन है तो अभी थोड़ा सा इसलिए बिजी रह सकता हूँ और शायद कल को व्लॉग ना आए, तो उसके लिए मैं अभी से अपडेट कर देता हूँ। इंशाल्लाह परसों से फिर कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह परसों, तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपसे परसों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।